सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, पर आजकल लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। हर कोई मिलता है यहाँ पहन के सच का नकाब, कैसे पहचाने कोई कौन है अच्छा कौन है खराब। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है उनको नहीं। आज का पंचांग 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, रात्रि 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र शाम 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:30 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर शाम 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आज है चंद्र दर्शन। कन्या राशि 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार, अपने घर से दूर कोई छोटी यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। आप अपने देखभाल करने वाले या भाई के साथ जा सकती हैं। ईमेल, फोन या टेक्स्ट के माध्यम से प्रभावी ढंग से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। एक अच्छा श्रोता होना कुंजी के समान है। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे। बस दूसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है। आप ऊर्जा और प्रेरणा से भरे हैं। आपके दिमाग में नई योजनाएं आती रहेगी, जिन्हें आप आसानी से क्रियान्वित भी कर पाएंगे। आपकी समस्या आज यही रहेगी कि आपके दिमाग में आज लगातार नए विचारों की बाढ़ सी आती रहेगी। आप अपने आसपास के सभी लोगों को भी अधिक प्रेरित कर पाएंगे। आय और व्यय में उचित समन्वय बना रहेगा। कुछ अनुभवी और सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मुलाकात होगी तथा उनके सानिध्य में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेगी। बच्चों का मनोबल बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। जीवन के सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। इस कारण खुद में बदलाव करना आपके लिए आसान हो सकता है। प्रगति की वजह से विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। नई बातें सीखने की कोशिश करें। काम संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को नजरअंदाज करने से दिक्कतें हो सकती है। विवाह से संबंधित सकारात्मकता बनी रहेगी। गलत खान पान का असर सेहत पर भी हो सकता है, ध्यान रखें। आज कार्य करने से पहले योजना और रूपरेखा बना लें, उसके बाद ही काम शुरू करें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी रिश्तेदार की दखल अंदाजी परिवार में कुछ तनाव का कारण बन सकती है। सरकारी कर्मचारियों को आज नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप शारीरिक ऊर्जा में कमी और थकावट अनुभव करेंगे। भावुकता के बजाय दिमाग में काम ले। आप अपने कार्यों के बारे में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। छात्रों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने का अवसर मिलेगा। आज नकारात्मक बातें करने से विवाद हो सकता है। बच्चों के साथ सहयोग करें। पार्टनरशिप से जुड़े बिजनेस में फैसला लेने होंगे। अपने भाइयों को वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। रिश्तेदारों के साथ विवादों में आपके निर्णायक सहयोग से समाधान होगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपको हर चीज से हैंडल करनी होगी। खर्चों में परेशानी हो सकती है। कर्मचारियों का नकारात्मक व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। गुस्सा करना दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। आप लीवर से संबंधित परेशानी अनुभव करेंगे। अगर आप अपना घर बदलने की योजना बना रहे हैं तो इस बारे में गंभीरता से बात करें। ग्रह स्थिति पक्ष की बन रही है। मामा पक्ष से दोबारा संबंध किसी तरह के विवादों को जन्म दे सकती है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें।
व्यवसायिक कार्य पर सुचारू रूप से चलता रहेगा। प्रेम संबंधों को परिवार की स्वीकृति भी मिलेगी। सावधानियां, दिन के शुरुआत में किसी बात को लेकर तनाव रहेगा, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति सामान्य भी हो जाएगी। अनुचित अथवा दो नंबर के कार्यों से दूर ही रहें, अपनी वाणी तथा उत्तेजित व्यवहार पर संतुलन रखें, अन्यथा आप बिना मतलब ही किसी से बैर कर बैठेंगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के बीच चले आ रहे मतभेद व बैर विरोध दूर होंगे तथा घर की व्यवस्था पुनः सुखद हो जाएगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का भी प्लान बन सकता है। लव लाइफ को निखारने के लिए दोनों में प्रेम के साथ साथ विश्वास होना बेहद जरूरी है। एक दूसरे को पत्र लिखना या संगीत नृत्य से अपने साथी को बहलाना आपके इस रिश्ते की खासियत है। बस जीवन के फैसलों को एक दूसरे पर थोपना, बल्कि मिलकर निर्णय ले। अधिक काम की वजह से आज आप परेशान हो सकती हैं, लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। रिश्तों में अगर कोई समस्या या तनाव चल रहा है तो जितना जल्दी हो सके इसे खत्म कर दें, क्योंकि बासी फूल और बेजान रिश्ते कभी भी जिंदगी को गुलजार नहीं कर सकते। अगर आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें। आपकी तंग सोच और अहंकार से आपके पारिवारिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। अगर आप छोटे विवादों को बड़ी समस्याओं में तब्दील नहीं होने देना चाहते तो अभी संभल जाएं। जो मामला अभी चल रहा है उसे अपने से अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन या विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें, यह जल्दी ही अपने पक्ष में होगा। अपने व्यवहार को बढ़ाने के लिए इस समय योजनाएं बनाएं। इसके साथ ही प्रचार व विज्ञापन भी आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में सहायक होंगे। संगीत नृत्य या फोटोग्राफी जैसी कलाएं आपको पहचान और पैसा दिला सकती है। आज नए काम या नौकरी से बचें और फालतू खर्च ना करें। व्यवसायिक जीवन में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखते हैं और आपके कनेक्शन और नेटवर्किंग को भी बढ़ाते हैं। लोगों से बातचीत करते समय खास ध्यान रखें, अन्यथा किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कार्य में नए विचार और तरीके आपको नई पहचान दिलाएंगे। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से संपन्न होने से उत्साह व जोश रहेगा। जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। ऑफिस में चल रहे राजनीति वाले माहौल से खुद को दूर ही रखें। बात करते हैं सेहत की। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें। त्योहारों के इस मौसम में इसकी उपेक्षा आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है उपयुक्त खाना खाएं और हल्का अभ्यास जरूर करें, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या साइकिल चलाना आदि। आपका तेजी से चलने वाला दिमाग आपको खाने का पूरा मजा नहीं लेने देता। खाते हुए और किसी भी बात के बारे में ना सोचें, अच्छी तरह चबाकर खाना खाएं। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को सिंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।